हरे कृष्णा। तो नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। भाई साहब, सुबह से मैंने मेरा झाड़ू गोता बर्तन संडे विंडम सब कर लिया, अब अपने बुलेट को लेके आया हूँ। चालू नहीं हो रही है यार, परेशान हो गया मैं इसके चक्कर में। अभी शायद मैं जाऊँगा गोवर्धन, तो आप लोगों को गिरिराज जी के दर्शन कराएंगे। और क्या होगा आज के दिन में, कुछ खास नहीं होगा, जो भी होगा देखते जाएंगे। ठीक है, बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो अभी हम नमित प्रभु की पत्नी कविता माता जी, इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, इसका नया नहीं बाल दिखा, कहाँ रहता है हाँ? अरे तू तेरे को तो मैं पहचानता हूँ, मिलता है ना, तो चप्पल कहाँ है तेरा, मार खाएगा भाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन, आपको राधा कुंड के दर्शन कराते हैं। स्कूटी में अपना वहाँ पे छोड़ के आया हूँ यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जिंदगी में। तुम लोग ऐसे ही घूम रहे हो बच्चे, मार खाने वाले हो तुम लोग। चलो प्रभु बोलो गिरिराज धरण की जय। यहाँ पे जितनी आपको लाइन दिख रही है वैष्णो देवी के लिए लाइन है, आप देखते चलो। अरे मैं तो बहुत दूर से दिखा आप लोग को। और फिर जो वृंदावन का सबसे बढ़िया चीज है ना, मारा ना हो ही नहीं सकता। मंगल यात्रा हो आपकी राधा कुंड की जय, कुछ तो बड़ा मैटर हो गया भाई। अरे वो तो होता ही रहता है। बहुत सारे लोग टेलीकॉम हैं जिनको, अब उनके लिए छोटा सा मैसेज ये है, जब भी आप बाहर निकलो ना, थोड़ा सनस्क्रीन लगा के निकलना, क्योंकि अब धूप का मौसम आ चुका है। तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा है, मुझे भी लगा लेना चाहिए, तो आप लोग भी लगा के रखना। आगे बोलना बस भैया बताया नहीं, जल जाओगे तो ही लगाओगे। कल किसी का क्वेश्चन आया था कि जैसे वृंदावन है, वृंदावन से गोवर्धन कितना दूर है, 20-25 किलोमीटर, बरसाना 40 किलोमीटर। तो भगवान जब परिक्रमा, भगवान को अगर जाना होता होगा, भगवान को भी कितना टाइम लगता होगा ना। नॉर्मल साधारण बुद्धि में आएगा कि भगवान पैदल जाते रहेंगे तो उनको कितना समय लगता होगा ना, है ना क्वेश्चन, किसी ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था। तो मैं बताता हूँ, एक्चुअली जैसा कि मैंने मेरे शिक्षा गुरु से सुना था, बताते हैं, वृंदावन हमारे लिए ऐसा एक कंक्रीट जैसे पत्थर जैसा है ना, नॉर्मल इतना दूर पैदल जाना पड़ेगा, गाड़ी से भगवान इधर से घोड़ा पे बैठ के जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वृंदावन जो है वो कमल के फूल जैसा है, समझ रहे हो, जब कमल का फूल खिल गया, मान लो इस कोने से इस कोने पे जाना है भगवान को, तो भगवान को मेहनत नहीं कर रहा है, वो फूल ही ऐसे हो जाता था, समझ रहे हो, घूम नहीं, मान लो ऐसा फूल है और ये वृंदावन है और ये गोवर्धन है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर भगवान को गोवर्धन जाना है तो भगवान को मेहनत नहीं करना है, वो फूल ही ऐसे पास आ जाता था, समझ रहे हो, फूल ऐसे पास आ गया। अब भगवान को कहीं भी जाना है, आपको क्या लगता है भगवान को मेहनत करना है, मतलब पूरे सोचो, ब्रजेंद्र नंदन नंद नंदन को मेहनत करना है, कुछ मेहनत नहीं करना है, वो सिर्फ ऐसे ही कमल का फूल ऐसे हो जाता था। इसलिए कमल के फूल में देखे ना, एक श्लोका भी है, तर मदे मीठा अष्टदले बेस्टिस्ता अष्टदले प्रधान नायिका। तो बोलते ना, प्रधान नायिका बैठी हुई है, बीच में राधा रानी है, और अगर इसका अगर फूल रहे ना, तो फूल से और अच्छे से समझ सकते हो, ऐसा उन्होंने बताया था कि, समझ रहे हो, ऐसा फूल है, ऐसा सिकुड़ेगा तो जिस भगवान को जहाँ भी जाना है, भगवान को कुछ मेहनत करना नहीं है, भगवान कहीं भी रहेंगे फटाफट भगवान यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, उनके लिए एक सेकंड भी नहीं लगता होगा। वो वहाँ से गैया चरा के कर मान लो चले गए, नंदगांव से निकले, उनको गाय चराने जाना है गोवर्धन पे, तो उनको कुछ नहीं करना है, वो एक पत्ता इधर आ गया। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो अभी हम पहुंच गए परिक्रमा मार्ग पे गोवर्धन के, अभी हम थोड़ी देर में आपको कराते हैं गोविंद कुंड के दर्शन और एकदम प्यारे से गिरिराज जी के दर्शन। बोलो बुचरे के लोटा की जय, जय जय राधे, जय जय बाबा। हरे कृष्णा। तो मैं आपको इतनी सुंदर चीज दिखा रहा हूँ, मतलब आज के ब्लॉग में हम देख रहे हैं गिरिराज जी के आईफोन। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। बोलो गोविंद कुंड की जय। तो गोविंद कुंड क्या है पता है आपको, जब इंद्र आए थे भगवान के पास माफी मांगने के लिए, तो उन्होंने भगवान की अभिषेक, कृष्ण का अभिषेक यहाँ पे हुआ था। इमेजिन, हाँ,
और वहां पे देखो हमारे प्यारे से गिरिराज जी, नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। क्या मस्त है ना यार, कि मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पता नहीं गुरुदेव की कितनी कृपा है कि गुरुदेव ने, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर पाता कि मैं आ रहा हूँ गिरिराज जी के पास, गिरिराज जी को देख रहा हूँ, वही गिरिराज जी जिनको हनुमान जी ने भी उठाया था, वही गिरिराज जी जिनको कृष्ण ने उठाया था, अभी हम लोग गौरांग ग्रह के साथ में हम लोग ने देख रहे थे ना। तो यहाँ पे देखते पहले, जय हो, यहाँ देखो, जय गिरिराज, जय जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय जय गिरिराज। आप मेरे साथ चलो, मैं वीडियो कट नहीं करूंगा ऐसे। फिर हम पहले हम यहाँ पे सब प्रणाम करेंगे गिरिराज जी को। जय हो प्यारे से गिरिराज। यहाँ देखो, जय हो प्यारे से गिरिराज की जय। आहा, मजा आ गया। नमस्ते गिरिराज। ये अब सोचो अगर ये गिरिराज शिला आपके पास हो, हाँ, और फिर यहाँ आंखें बनाओ, ये बनाओ, ठीक है, या तो ऐसे रखो या तो ऐसे रखो, कितना सुंदर गिरिराज जी लगेंगे ना। फिर यहाँ पे ऐसे बढ़िया बढ़िया डेकोरेट करो गिरिराज जी को। हमारी गैया मैया भी आ गई। अरे नहीं, कुछ खाने को भी है नहीं, भी लेंगे फिर खाएंगे, ठीक है। अच्छा प्यार करना है, ठीक है। तो हमारी गैया मैया हमारे गिरिराज जी के पास आके हम इनको करेंगे थोड़ा सा प्यार। गोविंदा जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंदा जय जय। ना कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है भैया। और सोचो अगर आपके पास ये शिला हो, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बनाओ, यहाँ देखो फिर से आगे गैया मैया का मालिश, बता देना कितना मालिश करना है। हाँ अभी नहीं, क्या देना बता दे, सेवा हो जाएगा आपका, प्रणाम कर लिया आपने? नहीं अभी नहीं किया, मैं आया तो बस ऐसे गैया मैया को करने लगा। अरे गैया मैया रुक जाओ। हम में से बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि भाई मैं परिक्रमा पे आऊं, एक गिरिराज जी की शिला लेके चले जाऊं, जीवन में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। मैं आपको कुछ ही बताता हूं, कोई भी व्यक्ति गिरिराज जी की शिला लेके नहीं जाएंगे। क्यों? अगर गिरिराज जी की शिला लेके जाएंगे, अब भी जैसे एक ब्रजवासी प्रभु से बात हो रही तो बोल रहे थे कि अगर कोई भी लेके जाएगा ना उनका सत्यानाश हो जाएगा, अगर कोई यहाँ से उठा के ऐसा लेके जाए तो। अंटिल एनलेस अगर आपको आपके गुरुदेव को आदेश नहीं है, ये नहीं है, तो आप बिल्कुल भी प्रयास ना करें कि ये लेके जाने के लिए, वरना आपके जीवन में क्या होगा आपको ही पता है, बाकी गिरिराज जी को पता है। तो ये अभी एक प्रभु जी बता रहे थे तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूं, ठीक है। और रुको, गोविंद कुंड के पास चलते थे। मैं भी गिरिराज जी के पास खड़ा होकर बस मैं यही सोच रहा था कि सोचो ऐसे हमें रोज सपना आए कि हम गिरिराज जी के पास खड़े हैं और गिरिराज जी हमारे आंखों के सामने हैं, ठीक है, क्या सुंदर होगा ना। यहाँ देखो ऐसे,
तुम्हारे गिरिराज जी के इतने प्यारे और सुंदर दर्शन हुए हैं, और मैं यहाँ से मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए भी प्रे करता हूँ कि हे गिरिराज महाराज, उनके ऊपर इतनी कृपा करो कि वो भी ब्रज में आए, पैर में पत्थर धस गए, वो भी ब्रज में आए और आपके परिक्रमा लगाए। क्या वृक्ष है यार, दिख रहा है मस्त ना, मजा करो, इसका एक फोटो खींच लो पहले। मैं तुम्हारा फोटो खींच के हो गया, आप भी हमारे साथ में, तो पैदल 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 हम चलते रहेंगे। ये मेरा फीडबैक देख रहे हो ना, मस्त है ना, आज ही मैंने किया, ये मैंने नेहा से मंगवाया था। जिनको भी फीडबैक चाहिए वो नेहा को मैसेज कर लीजिए। देखो यहाँ पे देखो, चैंट हरे कृष्णा, हाथ बना है इस पे माला पूरा 108, ऐसे बीट्स बने हुए हैं। तो अगर आप में से किसी को ये माला चाहिए तो आप नेहा को मैसेज कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका इंस्टाग्राम आईडी दिया है, आप उनका इंस्टाग्राम पे मैसेज करके माला मंगवा सकते हो। यहाँ देखो हमारे बंदर भाई लोग, सॉरी ये बहन थी। जय हो गिरिराज, चलो बाय बाय गिरिराज। बाय क्या, घर पे तो मैं मेरे गिरिराज जी से मिलूंगा ही, गिरिराज के तलहटी पे ही रहता हूँ। चले ब्रो, गिरिराज जी के दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं, जाएंगे राधा कुंड, श्याम कुंड के दर्शन करेंगे। अभी जब मेरे माइंड में एक चीज चल रहा था कि मैं जो भी चीज़ें देखता हूँ ना, एक्चुअली मैं नहीं देखता हूँ, मतलब ये जो ब्लॉग व्लॉग बनाता हूँ तो उसके थ्रू हम जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं, रोज के 2,500 रुपए, 2,500 लोग, रुपए में बोल रहा हूँ, 2,500 लोग, जितने भी लोग हम ब्लॉग देख रहे हैं, तो एक मैं देखता हूँ और मेरे कैमरे की नज़र से आप भी देखते हो, तो मतलब मेरे कैमरे से आप रोज ब्रश देखते हो। वाह क्या लाइन है, टाइटल ये डाल दूंगा। वाह क्या सुंदर सनसेट हुआ है, आओ। अरे वाह, जलेबी, समोसे, आते टाइम यहाँ पे खाते हुए जाएंगे। देखो जब भी हम ना ऐसा राधा कुंड श्याम कुंड आए तो हम कृपा कटाक्ष भाजनम पढ़ेंगे, हम वहाँ पे जाके बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप मेरे साथ चलते रहो और हम वहीं पे पहुँचते ही दर्शन करेंगे अच्छे से, और फिर हम आने के टाइम प्रसाद लेंगे। यहाँ देखो होली आने वाली है ना, यहाँ देखो बाबा जी परिक्रमा लगा रहे, क्या बढ़िया बढ़िया भगवान लड्डू गोपाल के ड्रेस, घंटी माला। बस ऐसे चलते रहो आप मेरे साथ में, ठीक है? इमेजिन कि आप खुद हो। चलते रहो, जैसे जैसे मेरा कैमरा मूव कर रहा है समझो मेरी आंखें भी वही है। राधे राधे माता जी, राधे राधे, जय जय राधे, बोलो साक्षी गोपाल की जय। क्या सुंदर दर्शन है, यहाँ देखो, चलो पहुंच गए हम राधा कुंड। राधा रानी की जय, महारानी की जय। तो हम पहुंच गए राधा कुंड के पास। वाओ, तो बेसिकली यहां से हम जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं, बट हम यहां से जाएंगे नहीं, हम आगे से जाएंगे रघुनाथ दास गोस्वामी के, वहां से होते हुए हम जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। देखो छोटे छोटे बच्चे भी परिक्रमा लगा रहे हो क्या दोस्त, हो गया परिक्रमा, कितना बाकी है नहीं बताओगे? तो यहाँ से हम जाएंगे ना रघुनाथ दास गोस्वामी की गद्दी, और फिर समाधि भी यहीं पे। जय जय राधे, जय जय श्याम, पहले भगवान के दर्शन कर लेते। तो दर्शन वहाँ पे करने के बाद हम आ गए रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि की, दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब हम परिक्रमा करेंगे, फिर ऐसे सीधा हम निकल जाएंगे राधा कुंड के पास। आओ हो राधा कुंड की जय। यहाँ पे सारे साधक बैठे हैं, पहले आप दर्शन कर लो फिर उसके बाद मैं कैमरा बंद करूंगा। कितना सुंदर लग रहा है ना,
मैं ना बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, वीडियो बनाऊं या फोटो खींचूं, समझ नहीं आता। सॉरी सॉरी, आ जाओ, क्योंकि फोटो भी शेयर करना होता है, वीडियो भी रखना पड़ता है ना इसके लिए। जय हो, जय जय राधे, जय जय श्याम। अभी यहाँ पे ना कृपा कटाक्ष भाजन पड़ेंगे हम, तो ये दोनों मस्त एकदम अभी खेल रहे थे। हाँ, यहाँ देखो सही है ना इन लोग का भी, या देखो क्या प्यारा लग रहा है देख के। चलो राधा कुंड के दर्शन अब हम करेंगे, श्याम कुंड के दर्शन। काई बहुत आ गई है ना। श्याम कुंड की जय। जय हो। ठीक है, आप लोग के दर्शन अच्छे से हो गए ना, सो अब मैं अपनी सेवा कर लूं। हमारा दर्शन हो गया और अब हम चले बोलो गिरिराज महाराज की जय, राधा कुंड श्याम कुंड की जय। ठीक है, आपके दर्शन हो गए। हाँ, तो अभी हम आपके लिए भी तो प्रे करेंगे। हे श्रीमती राधा रानी, प्लीज जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप उनके ऊपर इतनी कृपा करो कि वो भी आए ब्रज में दर्शन करें और भगवान का कृपा प्राप्त करें। जय जय। यहाँ से तो जाने का मन ही ना करे, इतना नेचुरल, इतना मतलब ऐसा फील आ जाता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं। ये देखो तो क्या देखने को मिला हमें, गाड़ी बस है ना, स्कूल बस है या नॉर्मल स्कूल बस है, मस्त लग रहा है, 50 रुपए का एक। गौरांग बड़ा हो गया, नहीं तो लेता उसके लिए, ये तो अभी बहुत छोटा है इसके लिए, अभी छोटे बच्चों के लिए, और अपने बच्चे हैं नहीं ना अभी, तब ये बड़ा हो जाएगा तो ये लेगा। तो हम लोग का दर्शन हो गया, तो हम सोचे आपको ऐसे ऐसे दिखाते दिखाते चले। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। लो भैया, जब तक उड़ता का समोसा न खाए उसकी जिंदगी में चैन कहाँ है। वाह, आप लोग क्या खाओगे? मैं तो समोसे खाऊंगा। वृंदावन आते ही अब हम जा रहे हैं लोई बाजार, और मतलब आज ना संडे वाला थोड़ा फील तो आ रहा है कि आज संडे है, क्योंकि लोग दिख रहे हैं। यहाँ देखो भाई साहब, ये नया नया होटल खुलते जा रहा है, हर दूसरे दिन नया होटल आ जा रहा है। ये देखो ब्रजवासी का भाई साहब, क्या रेस्टोरेंट है, मतलब मैंने अभी देखा, उस दिन आया था ना निद्रा के साथ। बहुत महंगा होगा यार ये तो। हाँ, महंगा नहीं है, सस्ते। अरे भाई नहीं, मेरे को बड़े होटल में खाने में पता नहीं क्यों इतना ऐसा लगता है, मैं इतने बड़े होटल में क्यों खा रहा हूँ। अरे नहीं, मेरे को पता नहीं क्यों अनकम्फर्टेबल सा होने लगता है। हाँ हाँ, मतलब फिर भी सेल्फी हो, बट फिर भी मुझे एकदम अजीब सा लगता है। मेरे को रोड पे खाना मजा आ जाएगा, पर ऐसे बड़े टेबल पे जाके बैठना वो सब में मेरे को ऐसा बुरा सा लगता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, ब्रज के भक्तों की जय। चलो, यहाँ ज्यादा ट्रैफिक रहता है। बोलो लोही बाजार की जय। तो जितने लोग ना अपना वसंत पंचमी के दिन वृंदावन आना चाहते हैं, मैं बोलूंगा सब लोग आओ, क्योंकि ना अपना यहाँ पे अपना श्याम सुंदर में बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। अरे वाह, क्या बात है, एक और। अरे वाह, तो बहुत सुंदर, मजा आ गया देख के। अच्छा, मैं आया लोही बाजार में इसलिए ऐसा फूट रहा है क्या? जय हो। अब नहीं फूटेगा, लगता मैं आ गया प्रॉपर। अरे भाई, किसी की शादी हो रही है। हाँ, निशांत की कब होगी? नहीं नहीं, शादी नहीं, कुछ तो प्रोग्राम हो रहा है। रुको, मैं देख के आता हूँ। प्रभु ठीक है, फोन पकड़ो, ले लो, मैं आया।
चलो आप लोग को भी दिखाता यार, बैठे बैठे क्या करता हूँ। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आए। नहीं तो कोई बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, बिहारी जी का कोई तो प्रोग्राम है। रुको, जय हो गोपेश्वर महादेव की जय। तो बेसिकली ये प्रभु जी बताएंगे, प्रभु जी क्या निकला है? ये हमारे गोपेश्वर महादेव का वृंदावन है, जिन्होंने सखी रूप धारण करके वो कृष्ण जी और राधा जी का राज देखने के लिए आए, उन्हीं के द्वार पर बैठे हमारे महाकाल की आज नगर भ्रमण के लिए निकले हैं, आप भी उनके दर्शन कीजिए। वाह, तो महाकाल जी नगर भ्रमण के लिए निकले हैं, तो हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि देखो एकदम से हमें दर्शन करने को मिल गया। वाह, धन्यवाद प्रभु जी, दर्शन हो गए आप लोग के। तो महाकाल जी निकले थे नगर भ्रमण के लिए, तो हमने क्या सुंदर नसीब है ना, मतलब भगवान की इच्छा थी कि हम ब्लॉग में ये चीज कवर कर पाए, इसलिए सडनली हमें यहाँ पे आना पड़ा। अरे प्रभु जी, हाँ बंदर, अरे यार मैं तो भूल ही गया था, अरे मैं तो भूल गया था कि मैं लोही बाजार में हूँ। बस एक चीज बतानी थी कि आज का ये जो गोपेश्वर महादेव का जो ये नगर भ्रमण पे निकले थे, ये गोपेश्वर महादेव जी खुद चाहते थे कि हम सारे लोग इसको ब्लॉग में देख पाए, क्योंकि जैसे मैं वहाँ पे पहुंचा मुझे लगा कि ऐसे कुछ हो रहा है रैंडम, तो आगे जाके देखा तो पता चला कि ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। और जैसे ही मैंने शूट कंप्लीट किए, मतलब वीडियो बना के जैसे ही खत्म किया, रथ तुरंत निकल गई। मैं अपने मन में सोचा कि महादेव जी चाहते थे कि सारे लोग घर बैठे ऐसे महादेव के दर्शन कर पाए, तो हम लोग कितने भाग्यशाली है कि हमें महादेव की ऐसी कृपा मिली। तो सारे लोग बोलेंगे श्रीपद गोपेश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्व क्लेश हरण देवम वृंदावन रति प्रथम। अगर हम ये श्लोक पढ़ते हैं तो हमें महादेव की कृपा भी मिलेगी और वृंदावन के प्रति हमारा जो मन है वो हमें ना महादेव ना हमें बहुत इंस्पायर करेंगे और बहुत आशीर्वाद देंगे कि हमारे जो मति है, हमारी जो रति है, वो ब्रज धाम में लगे। ठीक है, तो चलो घर। हरे कृष्ण। तो जस्ट अभी मैं घर पे पहुंचा, आज का दिन बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत मजा आ गया। हाँ मैं बता रहा था कि 14 तारीख को अपना बसंत पंचमी शुरू हो जाएगी, तो अलग अलग मंदिरों में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। तो 14 तारीख को श्याम सुंदर के मंदिर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें मैं शायद जाऊंगा, शायद, मुझे पता नहीं है, बट हाँ पक्का मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को जो भी होता रहेगा वो सारी चीजें दिखाता रहूंगा। खैर आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो क्या करना है आपको खुद को पता है। हरे कृष्ण। श्री वृंदावन धाम की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, गिरिराज महाराज की जय।